पुलिस आयुक्त कानपुर द्वारा चलाए जा रहे अपराध सहायक पुलिस आयुक्त कलेक्टरगंज के निर्देशन में थाना प्रभारी हरवंश मोहाल ने विगत अप्रैल माह में होटल शेर नारायण रेजिडेंसी के मैनेजर रोहित शर्मा द्वारा की गई 2,15,000 नगद होटल के रिसेप्शन का मोबाइल व एक मोपेड की चोरी में आज दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और क्या कुछ जानकारी दी गई है आइए आपको सुनाते हैं। देखिए ये घटना हुई थी 29 तारीख को, ये होटल है श्री नारायण रेजिडेंसी करके और यहाँ पे एक मैनेजर थे मिस्टर रोहित, तो इनके द्वारा ये चूँकि मैनेजर थे होटल के बैठते थे तो जो होटल के मालिक थे कॉन्फिडेंस था और इन्होंने एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया और लगभग 2 लाख रुपया लेकर के वहाँ से ये भाग गए और उसमें बाइक भी ले गए और मोबाइल था वो भी ले। होटल के जितने व्यवसायी संघ के लोग हैं उन्होंने हमसे मिला, हमारे एसीपी से मिले, तमाम प्रेस के भी जो लोग थे वो लोग भी मिले कि साहब एक गंभीर घटना है और बेसिकली एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, हमने किसी को विश्वास पे रखा है और उसने विश्वास को भंग किया। हमारी टीम लगी, एसीपी लगे, हमारे इंस्पेक्टर हरवंश मोहाल लगे और सर्विलांस के आधार पे जो हमने डाटा को पूरा जब रिकवर किया और लगाया तो हमारी सर्विलांस टीम बाकी टीम के द्वारा इसको रोहित को अरेस्ट किया गया है, जिससे पैसा भी बरामद हुआ है, मोबाइल भी बरामद हुआ है। उसने बताया कि इस घटना में एक और था अमरीक करके जिसने उसको सपोर्ट किया था क्राइम करते समय और फैसिलिटेट किया। देखिए पहले तो जैसा कहा ना कि ऑपरेशन क्लीनअप हमारे यहाँ सीपी सरकार जो निर्देश है अब उससे हम लोगों को बहुत सहूलियतें मिलने लगी, लगभग हर पॉइंट पे हमारे कैमरे हैं और मैक्सिमम एक्टिविटी को हम ऑपरेशन तीन के तहत कैप्चर कर ले रहे हैं। तो प्राइमा भेजी जब हम लोगों ने कैमरे को देखा तो उसमें मोमेंट करते हुए बाइक लेते हुए बाकी चीज़ करते हुए देखी, होटल के अपने कैमरे थे प्लस रोड के जो कैमरे थे उससे प्लस हमने सर्विलांस की मदद ली, कैमरे से इस आधार का पुख्ता हो गया किसने क्राइम किया है क्योंकि भागा हुआ था बाकी देखिए। ये है रीजेंसी करके होटल है, श्री नारायण रीजेंसी करके होटल है, ये हरवंश मोहल्ला है। तो ये पूरा का पूरा केस वर्कआउट हुआ है, जो इनकी मोपेड है उसकी भी सूचना मिली हुई है, हमारी टीम गई हुई है जहाँ पर इन्होंने रखना बताया है, संभवतः उम्मीद है कि घंटे दो घंटे में वो भी बाइक हमारी बरामद। आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन ये चैलेंज के रूप में था, मैंने इंस्पेक्टर को कहा कि एक व्यापारियों से जुड़ा मामला है जो कि व्यापारियों के बीच में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो डेवलप हो रहा है वो डेवलप नहीं होना चाहिए और एक गलत परंपरा बनेगी अगर इस तरीके के लोग सक्सीड होते हैं अपने काम में। उन्हें प्रवर्तक तत्काल 25,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर किया गया और पूरी टीम लगी गई और टीम को लग करके फाइनली इसको अरेस्ट किया। सर एक मामला एक और भी प्रकाश में आया था, कोई हरवंश मोहल्ला थाने का सिपाही था, अभी मैंने इसकी बात बताई ना उसके बारे में बात बताऊँ।